Hey guys, I'm Shraddha Singh and welcome in my channel. And आज मैं बनाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के स्पेशली डिमांड पर अनियन लच्छा सैलड यानी प्याज का लच्छा सलाद बनाने वाले हैं. तो देखते हैं इसे घर पे कैसे बनाना है. बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टी लगता है. एंड आपका खाना कुछ भी हो, लंच या डिनर, कम या ज़्यादा, लच्छा अनियन सैलड आपके खाने का स्वाद ज़रूर 100 गुना बढ़ा देता है. तो चलिए फिर देखते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पे, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं. आप देख सकते हैं ये एकदम गोल वाले प्याज हैं, 2 या 3 4 एक में ही जो आते हैं वो वाले नहीं हैं. तो प्याज हमेशा सेलेक्ट करके लें. इसको छिल के अच्छे से वॉश कर लिया है. तो अब हम करेंगे क्या कि इसके स्लाइसेस निकालेंगे. तो अब हम इसके स्लाइसेस निकालना स्टार्ट करते हैं. तो एकदम पतले पतले थिन थिन से स्लाइस हमें निकालने हैं. बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पतला या मोटा जैसा खाना चाहें. और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा पतला, बहुत ही मतलब चूज़ी टाइप के हैं, चूज़ी फूडी, तो वो थोड़ा पतला पतला एंड ज़्यादा प्याज का सैलड बहुत पसंद करते हैं. वैरायटी वैरायटी से सैलड बनवाते हैं वो ज़्यादातर खाने के साथ. तो ये इस तरीके से एकदम पतला पतला सा हमें काट के तैयार कर लेना है प्याज अपना पहले. एंड इसके बाद ये जो स्लाइसेस निकले हैं इसके हमें छल्ले बनाने हैं, यानी जो ये रिंग्स दिख रहे हैं ये एक एक करके अलग कर लेना है. इसी को हम बोलते हैं लच्छा. और ये जब प्याज के जो छल्ले हैं यानी रिंग्स हैं वो अलग हो जाए, लच्छा हमारा प्याज का बनके रेडी हो जाएगा. देन हम इसमें कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि हमारे प्याज के लच्छा सैलड का टेस्ट बहुत अच्छा और चटपटा कर देता है, बहुत ही बढ़िया कर देता है, जिसकी वजह से ये खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है. एंड अगर आप पाव भाजी बना रहे हैं या ऐसी कोई पनीर टिक्का बना रहे हैं तो भी आप ये सैलड साथ में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही कमाल लगता है. तो ये देखिए हमने सारे रिंग्स जो अनियन के हैं वो अलग कर लिए हैं. अब हम इसमें काट रहे हैं, एक पतली मिर्ची ली है, इसको बहुत ही छोटे छोटे से हम चॉप करके इसमें डाल देंगे. आपके पास धनिया पत्ती हो तो वो भी एकदम फाइन चॉप करके डाल सकते हैं इसमें. नेक्स्ट अब हम इसमें डाल रहे हैं पहले थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर. भुना हुआ ही हमें डालना, कच्चा कोई पाउडर नहीं डालना है वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा. ये भी रेड चिली पाउडर है थोड़े से तीखेपन के लिए, लेकिन ज़रा सा हमने यूज़ किया और भुना हुआ था. ये हम डाल रहे हैं काला नमक, यहाँ पर काला नमक ही यूज़ करें सादा नमक के बजाय. और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ऐड कर रहे हैं. इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो नींबू आप ज़रूर यूज़ करें. दैट्स ज़्यादा, इससे ज़्यादा मसाले में नहीं ऐड कर रही हूँ. अगर आप चाहें और चटपटा तीखा करने को तो आप अपने ऊपर है, जो आपको मसाला चाहिए वो आप डाल सकते हैं. मेरे लिए इतना सफिशियंट है जो कि टेस्ट को काफ़ी बेहतर कर देगा. तो ये मैंने डाल दिया है और हमारा लच्छा अनियन सैलड जो है वो रेडी है. तो मैं अब लंच के साथ अपने हस्बैंड के लिए इसको सर्व करूँगी, देखते हैं. तो वीडियो को प्लीज़ गाइस पसंद आया तो लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो अब चलते हैं अपने हस्बैंड की डिमांड पर लच्छा अनियन सैलड सर्व करके लेकर. तो ये देखिए प्लेट है और इसमें सारी दाल सब्जियाँ दही रोटी के साथ लच्छा अनियन सैलड है. पूछते हैं अपने हस्बैंड से कैसा लगा उन्हें. तो ये है लच्छा अनियन सैलड स्पेशली फॉर माय हस्बैंड डिमांड. तो खाइए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको. इनको सैलड का बहुत शौक है, स्पेशली अनियन सैलड का. बस सैलड ही टेस्ट कर लेते. अच्छा लगा, रोज मुझे दिया करो, टेस्टी लगा. अच्छा तो कि इधर से पॉजिटिव रिजल्ट आया है फॉर अनियन लच्छा सैलड.